हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ रेसिपी के साथ। मैं आज बनाऊंगी पालक और बेसन दे के बहुत ही नया, बहुत ही बढ़िया रेसिपी। ना कभी खाया ना कभी बनाया, मैं एकदम नया स्टाइल में आज बनाऊंगी पालक और बेसन का सब्जी। तो चलिए, मैंने पालक पहले धो के ले लिया। मैं इसको पहले एक मिनट जैसे बॉयल कर लेती हूँ। तो देखिए, पानी मैंने पहले पहले ही बैठा दिया, पानी गर्म हो गया, तो इसमें मैं पालक दे दूंगा और एक मिनट जैसे हम पालक को बॉयल कर लेंगे। मैं डंडल भी ले लिया, डंडल चाहे तो आपको, नहीं चाहिए तो आप मत दीजिए, आप छोटा छोटा भी कट के आप ले सकते हो। तो एक मिनट तक हो गया, मैं अभी निकल देती हूँ। तो मैं देख, इसी में थोड़े से जो नॉर्मल ठंडा पानी होता है वो मैंने ले लिया और इसी में मैंने पालक रख दूंगी। तो देखिए, ठंडी हो गई पूरा, अभी मैं निकल दूंगी निचर निचर के, क्योंकि इसी के बनाना हमारा पेस्ट। तो दे मैं हल्का से मिक्सर के, मैं मिक्सर के जार में मैं ले लेती हूँ। देखिए, इसमें हम ले लेते हैं पूरा। तो मैं इसी में दूंगी चार लहसुन का काली और दूंगी दो हरी मिर्च। तो ये देखिए, मैं अभी पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट हो गया हमारा, तो मैं इसी में निकल देती हूँ पालक का पेस्ट। तो ये पालक का जो पेस्ट है, मैं उसी में दूंगी बेसन। 3-4 चम्मच तक मैंने बेसन दूंगी। मैं 3 चम्मच बेसन लिया और नहीं दिया, अगर चाहिए तो हम बाद में दे देते, एक बार मिक्स करके देख लेते चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना हमको मोटा पतला चाहिए वो हिसाब से हम बेसन ऐड करेंगे। मैं एक चम्मच जैसे बेसन देंगी, थोड़ा पतला लग रहा है और थोड़ा मोटा चाहिए मुझे, और 1 चम्मच हमने बेसन दे दिए। तो मैं इसी में दूंगी नमक और दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और दूंगी थोड़ी सी भुना हुआ जीरा का पाउडर और देखिए, और एकदम थोड़ी सी 1 चुटकी जैसे दूंगी गरम मसाला और दूंगी मैं 1 चुटकी जैसे हींग, क्योंकि इसी में हम बेसन दे रहे हैं इसलिए हम थोड़ी सी हींग दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें पानी अगर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँ, क्योंकि पानी देंगे तो पतला हो जाएगा। तो देखिए, मैं अच्छी तरह से मिला लिया, नहीं फाट लिया अच्छी तरह से, देखिए। तो हमें साइड करके रख देते। तो देखिए, मैं एक थाली ले लिया, छोटी सी एक थाली ले ली। तो मैं इसी में दूंगी थोड़ी सी तेल। ये तेल को थाली में अच्छी तरह से हम लगा लेते। तो पालक का बेसन का जो पेस्ट बने हम इसी में दे देते। तो चम्मच से थोड़ा हम प्लेन करके दे रहे। तो प्लेन कर दिए मैंने। तो चलिए गैस के तरफ अभी बॉयल करने का। देखिए, मैं गैस में कढ़ाई बैठा दिया, ऑलरेडी पानी दे दिया, पानी गर्म भी हो गया। तो मैं अभी इसी में रखूंगी स्टैंड, देखिए ऐसे, और इसी का ऊपर मैंने जो पालक का जो पेस्ट, पालक और बेसन का, मैं इसी के ऊपर ऐसे रख दूंगी। और अभी मैं ऐसा कवर करके रख दूंगी 10 मिनट तक। चलिए एक बार देख लेते। देखिए कितना फूक गया, देखिए। और मैं 2 मिनट तक रखूंगी, फिर बाद में हम निकल देते हैं। तो देखिए हो गया, ये देखिए इधर करक करक हो गया, तभी अभी निकल देते हैं। तो देखिए ठंडा हो गया, अभी मैं काट देती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा काट दिया, जैसा चौकन चौकन, मतलब पनीर जैसे हम काट दिया, तभी धीरे धीरे हम पूरा निकल देंगे। तो चलिए अभी इसको ग्रेवी बना लेते हैं। कढ़ाई बैठा दिया, अब इसी में मैं दे रूँ तेल। तेल गर्म हो गया, इसमें मैं दूंगी थोड़ी सी जीरा और इसी के साथ दूंगी मैं प्याज का पेस्ट, अच्छी तरह से मिला लेते। और इसी के साथ मैं दूंगी 1 चम्मच जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह से हम भून लेते हैं 1 मिनट तक।
प्याज अदरक लहसुन गोल्डन कलर जैसे हो गया, अभी मैं इसमें दूंगी हल्दी पाउडर और देरों में मिर्ची पाउडर, अब समझ जैसे धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, और इसी के साथ मैं दूंगी टोमेटो का पेस्ट। अच्छी तरह से मिला लूंगी एक बार। मैं 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मसाला को भून लेती हूँ। तो देखिए हमारा मसाला भून के हो गया, क्योंकि अब बहुत ही कम तेल में हमने बनाए, और इसी में अभी दे रहा हूँ मैं जो पालक का थोड़ा सा पेस्ट था वो ग्रेवी में हम दे रहे हैं, मतलब पालक का पेस्ट हम थोड़ी सी रख दिए थे ग्रेवी के लिए। तो देखिए मुझे इतने ही सही, अभी मैं इसी में दूंगी थोड़ी सी नमक। ग्रेवी को बॉयल होने देख बार उबल आने दीजिए, फिर बाद में हम जो पालक और बेसन हमने जो बनाए वो बाद में हम ऐड करेंगे। तो देखिए ग्रेवी उबल आ गया, तो इसमें मैं दे देती हूँ, एक बार मिला देती हूँ, 2 मिनट तक हम पकाएंगे, एक बार देख लेते। तो देखिए ग्रेवी मुझे इतने ही सही है, तो हम ऐसे ही निकल देंगे। तो अभी दूंगी मैं थोड़ी सी गरम मसाला, ये देखिए मेरा घर का है भुना हुआ, इसलिए मैं लास्ट में दे रही हूँ, क्योंकि इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं लास्ट में देती हूँ। तो एक बार मिला देती हूँ, मिलाने के बाद हम निकल देते हैं, क्योंकि ये हमारा बन के रेडी है। मेरा पालक बेसन का रेसिपी बन के रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का रेसिपी अच्छा लगा प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नया वीडियो का साथ। ओके बाय।